हम बनाने जा रहे हैं आज अमोनियम मोलिब्डेनम। देखो क्या बनाने जा रहे हैं, अमोनियम मोली बडेट, अमोनियम हेप्टा मोली बडेट टेट्राहाइड्रेट। ये हमारा बनता है 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो हमें बनाना है 500 ml, इसके लिए 10 ग्राम। किस हिसाब से बनता है? 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बनता है। हमें 500 बनाना है तो हम चलो तो इसको हम 10 ग्राम इधर वेट कर लेंगे और वेट कर लेंगे 10 ग्राम का। 10 ग्राम का वेट करेंगे। ये हमारा 10 ग्राम वेट हो गया है। अब इसमें हम करीब करीब 200 ml डीएम वाटर में हम इसको पहले घोलेंगे। पहले 200 ml डीएम वाटर में पहले घोलेंगे इसको। हाँ, 200 ml डीएम वाटर में ला के इसमें इसको घोल लेंगे अच्छे से। अब इसको हम एक कोनकल फ्लास्क में लेके लेंगे किसी भी कांच के बर्तन में ले लेंगे जिसमें हमें सुविधा होगी। अच्छा, कोई भी कांच के बर्तन में ले सकते हैं जिसमें हमें ठीक लगे। इसको कम से कम 200 ml पानी डीएम वाटर डाल देंगे। कम से कम 200 ml डीएम वाटर। पहले डालेंगे अंदाजे से डालेंगे। इसमें हमें 500 ml बनाना है तो हमें पानी भी जरूरत पड़ेगी, एस2O4 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 150 ml में एस2O4 डालना होता है जिसमें 150 ml एस2O4 डालना पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड। ये 200 ml ले लिया पानी, मिक्स कर लेंगे। चलो अभी हमारा घुल गया है। अब इसको हमें एक बर्फ इसके मतलब बर्तन में रख लेंगे, उसमें हम बर्फ के साइड टुकड़े डाल देंगे। किसी बर्तन में रख के साइड में बर्फ के टुकड़े डाल देंगे इसमें, जिससे हमारा ज्यादा गर्म ना हो। ये देखिए हमारी बर्फ। इसके चारों तरफ से साइड से ठीक से लगा देंगे अच्छी तरीके से, जो हमारा ज़्यादा गर्म ना हो सके। अब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, तो वो भी हमें 150 ml डालना है, लेकिन हम एक साथ ही डाल सकते हैं। अच्छा, 50 ml करके 3 बार में डालेंगे। 50 ml करके 3 बार में डालेंगे। हाँ, वो भी हर एक बार डाल दिया उसके आधे घंटे बाद ही डालेंगे। एक बार डालने के बाद आधा घंटे बाद दूसरी बार डालेंगे 50 ml डालेंगे। सावधानी से धीरे धीरे डालेंगे, बिल्कुल सावधानी से आराम आराम से डालेंगे इसमें। ये देखिए हमने डाल दिया है 50 ml। अभी 100 ml डालना है। अभी 100 ml बाकी है, वो धीरे धीरे डालेंगे। अभी हमारा आधा घंटा हो गया, फिर हम 50 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फिर डाल रहे हैं। आधा घंटे बाद फिर से अब देखो 50 ml हम फिर डाल रहे हैं। बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे डालना है। देखिए हमने डाल दिया है, हमारा आधा घंटा हो गया है। तीसरी बार में डाल रहे हैं। अभी हमारा इसमें 150 ml
पूरा हो गया है, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड पड़ गया पूरा 150 ml अपने पड़ गया है। एक से डेढ़ घंटे तक हम ठंडा करेंगे जब तक अच्छी तरीके से ठंडा ना हो जाए। अभी हमारा पहले इसमें 200 ml पानी डाल के अमोनियम ग्लोरेट घोल दिया था, उसके बाद 150 ml डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको हम बनाएंगे 500 ml, इसको हम 500 ml इसके सहायता से बनाएंगे। जब बाकी जो खाली रह जाता है हम उसमें DM वाटर से उसको पूरा 500 ml बनाएंगे। ये देखो ये हो गया हमारा 500 ml, ये देखिए। इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे, 24 घंटे बाद इसको इस यूज में लाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। 24 घंटे रख देंगे, 24 घंटे के बाद यूज में आएगा ये। हाँ अभी इसको यूज करेंगे इससे कोई असर नहीं होगा, 24 घंटे बाद ही 24 घंटे बाद एक्टिवेट होता है ये जाके। हाँ। चालू कल 24 घंटे हो जाएंगे तब इसको यूज करेंगे, 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगा, 24 घंटे के बाद यूज करने के काबिल हो जाएगा ये।